श्रीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार टैंकर ने 5 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी और 3 महिलाएं बेस अस्पताल में, तीनों का इलाज चल रहा है। मैं अभी ग्राउंड जीरो पे हूँ, वो इलाका मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे ये दुर्घटना घटी हुई थी। बताया जा रहा है कि श्रीनगर से एक तेज रफ्तार ट्रक बड़ी तेजी से आया और यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर महाराष्ट्र जा रहे यात्रियों, यहाँ पे जो बैठे हुए थे उनको कुचल दिया। कुचलने के कारण घटनास्थल पे ही 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी और इसके साथ साथ 3 महिलाएं घायल हैं। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक चालक ने इस घटना को अंजाम दिया, फिलहाल वो ट्रक चालक फरार है। पुलिस जगह जगह उस ट्रक ड्राइवर की ढूंढ खोजबीन कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो ट्रक था, टैंकर था, उसके कागजात भी पूरे नहीं थे, उसके तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो भी पूरे नहीं थे, जिसके कारण ये पूरे जो घटनाक्रम है वो यहाँ पे घटित हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो वाहन चालक है उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। मैं अभी ऊपर से आ रहा था थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, ठीक है, और यहाँ से पानी का टैंकर आ रहा था। मैं ये पहले मेरी साइड आया, फिर मैंने अपनी गाड़ी ऊपर की साइड काटी, फिर उस यहाँ पर गाय लेटी हुई थी, इसने गाय के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़वा दी, गाय के ऊपर फिर इसने गाड़ी चढ़ाने के बाद यात्री बैठे हुए थे सामने, यात्रियों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई तो उसके नीचे 2 यात्री आए, पहले से दबे पड़े थे, और बगल में एक और लड़की थी, उसके शायद पहिया लगा या जो भी लगा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर मैंने नीचे जो गाड़ी के नीचे देखा हो तो उसमें यात्री दबे हुए थे। बस यही बात है भाई सर, इसमें लगभग 4 यात्री या 5 यात्री ऐसे कुछ दबे हुए हैं। हाँ, एक्चुअली ये 4 धाम यात्री हैं महाराष्ट्र के, जो 4 धामों की यात्रा करके और वापसी के टाइम पे हमारे श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये रोड साइड में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे लोग, और एक अनियंत्रित वाहन से दुर्घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, बाकी 3 महिलाएं जो घायल अवस्था में हमारे इमरजेंसी विभाग में लाई गई, तो हमारी सर्जरी की टीम ने, ऑर्थो की टीम ने और हमारी इमरजेंसी टीम ने, सभी लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया है। वो तीनों जो लेडीज़ हैं वो स्टेबल कंडीशन में है, उसमें से एक महिला के पैर में फ्रैक्चर है, उसको भी स्टेबलाइज कर दिया गया है और उसको भर्ती कर दिया गया है। श्रीनगर से विनय भट्ट, ETV भारत।